आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है इसलिए बोले तो क्या सारा सारा। लेकिन अगर एक घर का सदस्य कोई भी काम कर लेता है अयोध्या में तो पूरा परिवार संभल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार ही करे, जो मध्यम श्रेणी का परिवार है वो भी इस काम को करे। जिसके घर में भगवान की दया से फोटो चलाते हैं परिवार के, वेल्डिंग का काम करते हैं, वो तो है तो मजदूरी है, आज में समय तब तक काम करेंगे जिस दिन हाथ टूट गया या बीमार हो गया। मैं ब्लड भी लिया ना, आप भी अपने परिवार की मदद कीजिए। आप से 50,000 रुपए आप करके दे, पेम्पलेट इधर लिया, आप भी बेटे बेटे कुछ नहीं, रोटी बनाई, खाना बनाया, सबको भेजा और अपने ये छोटा मोटा काम करना है, छोटी मोटी गार्डन में पानी पिलाना है, साफ सफाई करनी है, अपनी नगर में साफ करना है। 259 रुपए आपको मिलेंगे, 25,000 रुपए तो आपको योजना से मिल जाएंगे 2 दिन के। उसके बाद आपको बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, 8वीं क्लास वालों को 8,000 मिलेगी, 9वीं वालों को 9,000 मिलेगी, 10वीं वालों को 10,000 मिलेगी। ये 25,000 रुपए आपके छात्रवृत्ति के आ जाएंगे। बेटी की शादी करानी तो उसका भी पैसा आ जाएगा। यानी एक ही काम करने से, एक व्यक्ति के योगदान देने से पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने आस पास के लोगों को देखे आए, समझे, ठीक है ना, जिस योजना का पूरा लाभ उठाए। ई श्रमिक कार्ड में 2 लाख रुपए का बीमा है, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ घटना होगी तो आपको 2 लाख रुपए परिवार के लोगों को मिलेगी। श्रमिक कार्ड बनाने से 5 लाख रुपए का बीमा है, और आप लोग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ेंगे, उसके बाद आपका श्रमिक कार्ड हम बना के देंगे। लेकिन 100 दिन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, आपको स्वयं लाना पड़ेगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा, फिर हम यूनियन का ठप्पा लगाएंगे उसके ऊपर, फिर आपको फॉर्म भरेंगे 100 दिन का, उसके अंदर लगाएंगे प्रूफ, फिर जाके आपका श्रमिक कार्ड बनेगा, फिर जाके आपको फायदे मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि एक कार्ड बना दिया तो मेरे लाल के सपने देखिए सब नहीं मिलेगा, सबके लिए भरना पड़ेगा। बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए भी अलग अलग फॉर्म देंगे, फॉर्म भर के आपको स्कूल से साइन करके वापस ऑनलाइन कराने पड़ेंगे। हर योजना का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, याद रखना, ठीक है ना, और सब ऑनलाइन हम लोग आपको दे दे खाली बता देंगे कैसे करना है, लाइन बता देंगे, इधर जाना है आप लोगों को करना था। संजय बात देखिए, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, और लगातार अरावली निर्माण मंदिर सुरक्षा संघ और दंतोपट टेकड़ी, राष्ट्रीय सभी शिक्षा बोर्ड, जल विद्या ट्रस्ट और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, अपना नगर निगम, उसके बाद प्रेरणा संस्थान, प्रतिबद्ध संस्थान, और यहाँ के क्षेत्र के लोग जितने भी हमारे भाई है वो सब भागीदारी निभा रहे हैं। आशा है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे, लोगों को अगर समझ में आ जाए कि इसमें मुझे फायदा है तो लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अभी जब तक हाथ पे चल रहे हैं काम हो रहा है, व्यक्ति का भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए, ऐसे में ये योजना इनके लिए बहुत ही कारगर है। जो व्यक्ति समझ गया वो तो इसका लाभ लेगा, जो आदमी नहीं समझा है वो आज भले ही बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के आ जाए लेकिन कल स्थिति खराब होगी तो फिर उसको वही कपड़े याद आएंगे। इसलिए मुझे याद है कि ये इस योजना से जुड़ने के बाद एक व्यक्ति अगर घर का योगदान देगा तो उसका पूरा परिवार सफल होगा, उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, और देखिए अगर मजदूर का बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसको अतिरिक्त नंबर भी दिए जाएंगे और आशा है कि उसको नौकरी के चांसेस भी रहेंगे। यानी एक परिवार के योगदान देने से काफी अच्छा काम होने वाला है और इसमें हम लोग अपनी जन भागीदारी निभा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कैमरामैन भाई साहब घनश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको शूट कर रहे हैं। बन जाएगा ना, ये लो कार्ड जोड़, कार्ड बना के चलो, ये तीसरा कार्ड बन रहा है, ये हैंडीक्राफ्ट वाला है, हाँ चलो हैंडीक्राफ्ट वाला सबका बनाना है, बिल्कुल किसके, नहीं वो अलग है, मानधन योजना, हाँ वो मानधन योजना के लिए, वो मानधन वाले नहीं कर सकते, लेकिन ई श्रमिक कार्ड सबके बनेगा, 60 साल वाले के तक बनेगा, अच्छा टू हेड हाथ टू हाथ देंगे। तो अधिक से अधिक शिविर का लाभ लेने के लिए देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रभु जन यहाँ सब आए हैं, देखिए हमारे भाई आ गए हैं और हमारे भाई इसको पढ़ भी रहे हैं।